क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे महंगा स्कूल कौन सा है और ये कहाँ पर है? दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। फैक्ट नंबर 15, लाइट बल्ब, फोनोग्राफ और कैमरे का आविष्कार करने वाले महान अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के शरीर के किसी अंग को तो नहीं, लेकिन उनकी छोड़ी हुई आखिरी सांस को जरूर कैद करके सुरक्षित रखा गया है। उनकी आखिरी सांस को एक परख नली में अमेरिका के मिशिगन शहर के संग्रहालय में रखा गया है। फैक्ट नंबर 14, स्टीफन हॉकिंग का जन्म गैलीलियो गैलीली की मृत्यु के 300वीं वर्षगांठ पर हुआ था। स्टीफन हॉकिंग और आइंस्टीन दोनों की मृत्यु 76 वर्ष की आयु में हुई। स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु आइंस्टीन के जन्म की तारीख यानी 14 मार्च को हुई थी। फैक्ट नंबर 13, राजस्थान के महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में उदयपुर को बसाया था। महाराजा ने सन 1567 में इसे मेवाड़ की राजधानी बनाया था। उदयपुर शहर में मार्बल के महल तथा पहाड़ों की एक कतार के साथ झीलें झीलें दिखाई देती हैं, इसलिए इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 12, शेषनाग भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। इसका ट्रायल नागपुर मंडल से बिलासपुर मंडल के कोरबा तक किया गया है। इस दौरान इस ट्रेन ने 250 किलोमीटर की दूरी बड़े ही आराम से पूरी की है। फैक्ट नंबर 11, ताइवान के एक आदमी का आईफोन 11 एक झील में गिर गया था। ठीक एक साल बाद झील सूख जाने पर उसे अपना फ़ोन दोबारा मिल गया, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक साल फ़ोन पानी में रहने के बाद भी उसका फ़ोन चार्ज करते ही नॉर्मल चलने लगा। फैक्ट नंबर 10, ले रोजे दुनिया का सबसे महंगा स्कूल है जो स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी एक साल की फ़ीस लगभग 84 लाख रुपये है, और इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर हर 5 विद्यार्थियों के लिए एक टीचर है। फैक्ट नंबर 9, ट्रांस साइबेरियन लाइन दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है जो मॉस्को रूस से लेकर उत्तर कोरिया के प्योंगयांग तक जाती है। इस मार्ग की यात्रा को पूरा करने में एक ट्रेन एक सप्ताह का समय लेती है। इस रूट की लंबाई कुल 10,214 किलोमीटर है, और इस रूट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी दर्ज किया गया है। फैक्ट नंबर 8, भारत के कर्नाटक राज्य में खूबसूरत हिल स्टेशन है जिसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। यह खूबसूरत हिल स्टेशन समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। फैक्ट नंबर 7, गीदरून नीदरलैंड का एक ऐसा गांव है जहां एक भी सड़क नहीं है। यहां लोग नौकाओं को यातायात के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह गांव दक्षिण का वेनिस या नीदरलैंड का वेनिस के नाम से काफ़ी मशहूर है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं दुनिया में फुटबॉल खेल को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? दुनिया के 4 बिलियन लोग फुटबॉल खेल को पसंद करते हैं। क्रिकेट दूसरे स्थान पर है जिसे 2.5 बिलियन लोग क्रिकेट खेल को पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 5, भारतीय बैंक नोटों पर 17 भाषाओं में रुपए का मूल्य लिखा होता है। आगे और पीछे के भाग में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तथा पीछे के भाग में भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से 15 भाषाओं में रुपए का मूल्य लिखा होता है। यह भाषाएं असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोकड़ी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। फैक्ट नंबर 4, चेन्नई के महाबलीपुरम में स्थित कृष्णा की वाटर बॉल के नाम से प्रसिद्ध एक विशालकाय रहस्यमय पत्थर है जो कि 20 फीट ऊंचा और 5 मीटर चौड़ा है। यह पत्थर पिछले 1200 सालों से एक ढलान वाली पहाड़ी पर 45 डिग्री के कोण पर बिना लुढ़के टिका हुआ है। इस पत्थर के गोले को 7 हाथियों से खिंचवाने पर भी नहीं हिलाया जा सका। फैक्ट नंबर 3, जापान में ग्रीन न्यूज़पेपर नाम के ऐसे अखबार बनाए जाते हैं जिसमें छोटे छोटे बीज डाले जाते हैं जिसे अगर पढ़ने के बाद मिट्टी में दबा दें तो उसमें से पौधा उग जाता है। फैक्ट नंबर 2, नॉर्वे के सॉलबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट क्षेत्र में दुनिया भर के पाए जाने वाले 4000 तरह के बीजों के 8,40,000 सैंपल संरक्षित किए गए हैं। यहाँ विभिन्न देशों की सरकार बीज जमा करती है ताकि आपातकालीन की स्थिति में इन बीजों का उपयोग पुनः उत्पादन में किया जा सके। फैक्ट नंबर 1, आंध्र प्रदेश के गुटरू में कृष्णा नदी के तटीय क्षेत्र बहुत समय से हीरों के लिए विख्यात रहे हैं। पहले यह क्षेत्र गोलकुंडा में शामिल था, यहीं से कोनूर हीरा निकला था। आज भी यहाँ कई हीरे दबे हुए हैं।